लाइफ और रेसिपीज जितनी सिंपल रहती है ना उतना मज़ा आता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी ही एक रेसिपी राइस खीर, जो कि बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप उसका एक बढ़िया वाला टेक्सचर चाहते हैं ना तो भैया काढ़ काढ़ के बहुत टाइम लगा के आपको बनाना पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है अरे यार छोड़ो नहीं बनाते, लेकिन ये हर घर में बच्चों को पसंद होती है। तो आज इसी एक रेसिपी को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसमें कुछ टिप्स बताऊँगी आपको। तो देखिए, राइस हम बोलते हैं बासमती राइस, बासमती राइस, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू और जगह होती है। तो इसके लिए बासमती राइस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये शॉर्ट ग्रेन राइस मैंने लिया है। जो भी राइस छोटे दानों वाला टूटा हुआ आपके पास हो वही आपको लेना है। तो लेना कितना है देखिए, 60-70 ग्राम लगभग एक छोटा कप मैंने लिया था। आप नाप के अपना 60 ग्राम के लगभग ले लीजिएगा। और उसमें से ना इसको अच्छे से मैंने धो लिया था 3 से 4 बार। और उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कटोरी में थोड़ा सा ले लिया, लगभग 2 चम्मच ही होगा। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी कैश्यू यानी कि काजू, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और इसको अब हम भिगा के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। क्यों रखेंगे ये आपको बाद में बताऊँगी। तब तक के लिए चढ़ा देते हैं अपने जो बचे हुए चावल थे गैस पे, और गैस को जो है आपको लो टू मीडियम ही रखना है। और हल्का सा फ्राई करना है 1 चम्मच देसी घी के साथ। इसमें मैंने डाला है देसी घी, बस इसको आपको हल्का सा ऐसे मतलब हिला लीजिए, घी डाल देना है, बस उसको चलाना है अच्छे से। उसके बाद डाल दिया है मैंने लगभग छोटा 1 ग्लास इसमें दूध। दूध इतना ही डालना है जैसे आप घर में चावल बनाते हैं ना नॉर्मली उतना। और इसको लो फ्लेम पे 1 सीटी लगा के छोड़ देना है। अब आ जाइए इस तरफ जहाँ काजू रखा हुआ था। तो ये काजू ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और यही आपको जो एक खीर में एक टेक्स्चर देगा ना बढ़िया वाला गाढ़ी खीर का, वो इसी से आएगा। साथ ही साथ मैंने ले लिया है ये थोड़ा सा दूध, 4 चम्मच गुनगुना दूध, और उसमें 4 से 5 जो रेशे होते हैं केसर के धागे मैंने डाल दिए। ये कलर के लिए हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी उसी ग्राइंडर में जिसमें मैंने काजू डाला था और चावल डाला था। और अब बनाना है एकदम फाइन, जितना फाइन पेस्ट आप बना सकते हैं उतना फाइन पेस्ट इसका आप बना लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया बन के आया है ये। और ये काजू बेचारा एक रह ही गया था पिसने से, तो इसको मैंने निकाल दिया। निकालने की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि भाई कमेंट सेक्शन में फिर कहते हैं अरे ये क्या है, मोटा सा इसमें कुछ रह गया, आपने बोला था फाइन पेस्ट। तो काजू तो ड्राई फ्रूट हमने डालना ही है वैसे भी, तो बस ये मैंने दिखाया था रिमूव करके, और कुछ नहीं है, वो काजू था। एंड अब हमको देखना है कि चावल यहाँ पे कितना पक गया, जो हमने लो फ्लेम पे 1 सीटी लगाया था ना चावल में, ये देखो। तो इसको 70% तक, 60-70% हमको पका लेना है। पूरा इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि अभी हमें दोबारा से थोड़ी देर के लिए गैस पे रखना है, ठीक है। मैंने जैसे ये दिखाया आपको, ये अच्छे से नहीं टूट रहा है, बट हाँ थोड़ा सा गल गया है, ठीक है। अब इसमें बचा हुआ दूध भी, हम 2 ग्लास लगभग दूध था वो भी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, तो लगभग टोटल 3 ग्लास दूध था और 60-70 ग्राम के चावल थे। अब ये जो पेस्ट है ना गाइस, बस यही एक मैजिकल पेस्ट भी कह सकते हो आप, भाई मेरे लिए तो मैजिकल ही है जब से मैंने इस तरह से कुकर में बनाना सीखा है। और ये धीरे धीरे करके ही मुझे आया है कि भाई कभी कोई गलती होती थी, कभी कोई गलती होती थी, वो वाला मज़ेदार टेक्स्चर नहीं आता था, टेस्ट नहीं आता था, बट अब जब परफेक्ट बनने लगी है तो आपके संग भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो वो वाला पेस्ट मैंने कुकर में उसी चावल में ट्रांसफ़र कर दिया था जो बना के रखा था, और फिर से उसमें लो फ्लेम पर हमने लगानी है 2 सीटी बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के लेने हैं, देसी घी में फ्राई कर लीजिए हल्का सा, और नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं भैया, अच्छा लगता है, एक रिचनेस आती है इसके बिना खीर में मज़ा नहीं आएगा। और मेरा जो फेवरेट है खीर में वो है गोला होता है ना नारियल, वो मैं ज़रूर करके कस के डालती हूँ, पर उसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डालना क्योंकि एकदम बहुत हद से ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, वो ना दूध सोख लेता है। तो थोड़ा सा डालना है कि मुँह में हल्का हल्का सा ना एक टेस्ट आता रहे हर बाइट में, तो मुझे गोला बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाला है, ठीक है। तो बस अभी खीर बनके तैयार हो गई थी, देखा आपने कितनी जल्दी झटपट से बनी है ये खीर। तो बस ऊपर से मैंने वो फ्राई किए हुए जो ड्राई फ्रूट थे अपनी पसंद के वो डाल दिए हैं, और इलायची का पाउडर भी डाला था, तो इलायची पाउडर भी आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, बहुत अच्छी खुशबू आती है खीर में, मज़ा आ जाता है। तो बस इसमें देखिए, मैंने छोटे चावल इसलिए लिए थे क्योंकि उसके अंदर ना एक स्टार्च होता है, आपने अगर सुना चिपचिपापन,
अपनी एक देसी लैंग्वेज में भाई बोलो तो चिपचिपापन, खीर में वही तो चाहिए, उसी से तो गाढ़ी और अच्छी खीर बन के तैयार होती है। और जो काजू का और मैंने पेस्ट बना के रखा था चावल का, उसने तो मज़ा ही कर दिया। तो बस ये दो आपको स्टेप फॉलो करने, और कुकर में झटपट आपकी खीर ना बन के तैयार हो जाए, और जिसको आप खिलाएं वो दोबारा ना मांगे और पूछ ना ले आपसे रेसिपी, तो आप मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे साथ तो देखिए यही होता है। और बस गर्मा गर्म या ठंडी पसंद है तो ठंडी खाओ यार, जैसे भी खाओ। तो सिंपल सी मेरी रेसिपी, अगर आपको ये पसंद आई हो तो यार लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आगे भी ऐसी ही रेसिपी आप ही के लिए मैं लेके आने वाली हूँ। खीर को एंजॉय कीजिए, और यार एक बार ज़रूर बना के देखें ना इस तरह से। अगर आपको कोई बोले ना कि कुकर में भी कोई खीर बनती है, यार मुझे भी बोलते थे, मैंने किसी की नहीं सुनी, ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए। और फिर उसके बाद तो भैया 90% मेरी खीर ऐसे ही बनती है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।